हिंद दोस्तों, आज हम चुनाव प्रचार अभियान जो चल रहा है उसके कवरेज के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गए। सबसे पहले हमने गांव बिघाण में रमेश चंद्र कौशिक को कवर किया, उसके बाद हरसाणा मालचा में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला को सुना, और ये सारी जानकारियां लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन नेताओं के तस्कर से तीर निकल रहे हैं। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दो बार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे हैं, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय के बारे में कि ये कड्डी बिगाड़ने आ गए हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने उसके पलटवार करते हुए कहा था कि भाई हम कड्डी बिगाड़ने नहीं, हम तो अपनी कड्डी बनाने के लिए आए हैं, हम तो लोगों के बीच में एक जो जिम्मेदारी हमें मिली उसको निभाने के लिए आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कड्डी अगर बिगाड़ेंगे तो सुरजेवाड़ा बिगाड़ेंगे, अशोक तंवर वो कड्डी बिगाड़ेंगे। इसके बारे में जब दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा गया कि वो तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई वो तो कड्डी बिगाड़ने नहीं आए, तो बोला मैंने तो कहा ही नहीं था, जबकि उन्होंने सोनीपत के बार एसोसिएशन के अंदर वकीलों से बातचीत करने के पश्चात में हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा था। आज की जो मुख्य वार्ता जो पब्लिकली संबोधन में दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पलटवार करते हुए कही है कि उनके परिवार में जब दहेज का केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पर था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मध्यस्थता से वो मामला निमट गया था, लेकिन इसका सिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या दिया? 80 साल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजा। उन्होंने कहा कि उनके पिता डॉक्टर अजय चौटाला, उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी, 10 साल की सजा हुई। आज 7 साल से वो जेल में हैं। तो ये जात पात के ऊपर जो वोट मांगने की बातें हैं, इससे ऊपर उठकर के आवश्यकता विकास की है, आवश्यकता युवाओं को रोजगार की है, आवश्यकता है कि बेहतर शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त हो, चिकित्सा की सुविधाएं कैसे दी जाएं, आवश्यकता तो इस बात की है। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि बीजेपी का अपना झूठ का पलौंदा ही खत्म नहीं होता, जुमले छोड़ देती है अपना जो आज चुनाव लड़ रही है उसके पास में कांग्रेस का वो बीजेपी का कहेंगे। हाँ, बीजेपी का ही कहा है, बीजेपी के जितने भी उन्होंने वादे करके सत्ता आसीन हुए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और आज वो दोबारा फिर मंदिर की बात करते हैं, 370 धारा की बात करते हैं।
विकास नहीं करवाया इसलिए वो विकास की बात नहीं करते हैं, आज वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे भाई, राष्ट्रवाद कैसा? क्या ये देश के तमाम नागरिक ये देशभक्त नहीं है? ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी अब उनसे लेना पड़ेगा जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी। क्या वो हमारे देश के राष्ट्रभक्त नहीं थे? वहीं भाजपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक, उनका ये कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही, सबसे ज़्यादा ज़मीनी घोटाले उस टाइम में हुए और कुछ जेल में हैं, कुछ जो है बेल पर हैं। इन्होंने देश के प्रदेश के किसानों के हित की कभी बात नहीं करी, किसानों की ज़मीन हड़पी, ज़मीन की डीलरशिप करी, नोटिस दे देते थे और उसके बाद अपने आदमी को कह देते थे जाओ ज़मीनें सस्ती हो गई हैं खरीद लो, और फिर वही मोटे दामों के ऊपर उसको बेचकर अपने आदमियों को अमीर बनाते थे। तो दोस्तों, ये थी चुनावी चर्चा जो आपने सुनी। आप देखते रहिएगा, हम फिर हाजिर होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आपके साथ नियमित चर्चा करता रहूँगा। आप भी अपना विश्लेषण कीजिए, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए, 12 मई को वोट करना मत भूलना, नोटा का बटन मत दबाना। 29 प्रत्याशी सोनीपत लोकसभा सीट से हैं, आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने वोट का प्रयोग सरकार बनाने के लिए कीजिए। यदि आप किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं तो ये आपके लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारी सलाह यही है कि आपको वोट करना है, आपने कभी भी नोटा का बटन ना दबाएं, अपने पसंद करने वाले प्रत्याशी को वोट दीजिए, आपके वोट से सरकार बनेगी। इसके लिए खासकर एक वो नौजवान जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर जो है अपने वोट का प्रयोग अपनी सरकार बनाने के लिए करें। धन्यवाद। आप सभी ने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं निवेदन करूँगा, मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे इष्ट मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक बात विशेष, एक बेल आइकन है साथ में, उसे ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास सीधे पहुंचती रहें और आपका और हमारा तारतम्य बना रहे। मैं आपका शुक्राना करता हूं कि आपने कीमती समय दे करके इस वीडियो को सुना है, तो आप अपना प्यार स्नेह और सौहार्द जो दे रहे हैं भविष्य में देते रहिएगा।
धन्यवाद है आपका, शुक्रिया, जय हिंद।